फिजिकल प्रॉपर्टीज दीज आर कलरलेस एंड क्रिस्टलाइन दे मे बी स्वीट टेस्टलेस और बिटर स्वीट्स में हमारे पास एग्जाम्पल आती हैं ग्लाइसिन एलनिन एंड वेलिन की दीज आर स्वीट इन टेस्ट सम अमाइनो एसिड्स आर आर टेस्टलेस फॉर एग्जाम्पल ल्यूसिन एंड सम अमाइनो एसिड्स आर बिटर इन टेस्ट आर्जिन एंड आइसोलिसिन आर द एग्जाम्पल एस्पार्टाम एन आर्टिफिशल स्वीटनर कंटेंस एस्पार्टिक एसिड एंड फिनाइल एलिन एस्पार्टामीन को बेसिकली एज ए स्वीटनिंग एजेंट यूज़ किया जाता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स में क्योंकि इसके अंदर एस्पार्टिक एसिड और फिनाइल एलिन हो फिनाइल एलिन होते हैं जो कि स्वीट टेस्ट हमें देते हैं अमानो एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर एज वेल एज इन एसिड्स एंडलीस but these are insoluble in organic solvent amino acids are having high melting point more than 200 degrees centigrade now come towards the optical properties of amino acids all amino acids except glycine possess optical isomers due to the presence of asymmetric carbon atom ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ग्लाइसिन के पास ये जो आर चेन ही इसकी जगह एच प्रेजेंट होता है ग्लाइसीन का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है तो उसकी वजह से यहाँ एच की वजह से ये जो सेंटर का कार्बन है ये एसिमेट्रिक नहीं रहता एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन होता है जिसके चारों वैलेंसीज़ पर डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हों तो ड्यू टू इट इज़ नॉट एसीमेट्रिक इट इज नॉट एन एसीमेट्रिक कार्बन आइटम सो ग्लाइसिन इज नॉट हैविंग ऑप्टिकल आइसोमर्स ग्लाइसिन के अलावा जितने भी अमानो एसिड्स हैं आलपजेज ऑप्टिकल आइसोमर्स और दीज आर ऑल्सो नॉन एज इनश्योमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स कौन होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट और राइट रोटेट करवा देते हैं और इनश्योमर्स वो आइसोमर्स जो कि मिरर इमेज हों एक दूसरे की तो वो कंपाउंड जो ऑप्टिकली एक्टिव हैं वो इनमर्स भी होंगे आपस में अमाइनो एसिड्स एम्फोलाइट्स अमाइनो एसिड्स के पास एक एसिडिक ग्रुप भी होता है और एक बेसिक ग्रुप भी होता है इसकी वजह से हम इसे एम्फोलाइट कहते हैं सो अमाइनो एसिड्स कंटेन बहुत एसिडिक एंड बेसिक ग्रुप्स एसिडिकी डब्लो एच एंड बेसिक टू देख इन डोनेट अ प्रोटोन ये एसिडिक ग्रुप प्रोटोन को डोनेट कर सकता है और बेसिक ग्रुप क्या कर सकता है प्रोटोन को एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्टर प्रोटोन हैंस कॉल्ड एम्फोलाइट्स और अमाइनो एसिड्स को हम जुइटर आयन भी कहते हैं बिकॉज जुटर आयन इज हाइब्राइड मॉलिक्यूल कंटेनिंग बहुत पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस अमानो एसिड्स पे प्रोटोन डोनर और एक्सेप्टर की वजह से एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज भी जनरेट होता है तो इसकी वजह से इसे ज्विटर आयन मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं ज्विटर का मतलब हैविंग बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज द पी एच एट विद द अमाइनो एसिड एक्सस्टेस जुइटर आयन विद नो नेट चार्ज ऑन देम इज कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पीएच और आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट अब जुटर आयन के कंडीशन में एक फेस हमारे पास एक पी ऐसी आती है कि जब एन एच टू पर हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज आ रहा होता है और सी डब्लो एच पर नगेटिव चार्ज अब दो चार्जेस नेगेटिव और पॉजिटिव जब एक साथ आते हैं तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं और कोई भी इस पर नेट चार्ज नहीं बचता अब वो पी एच जिस पर ये कंडीशन एग्जिस्ट करती है जुइटर आयन एग्जिस्ट करते हैं उसको हम आई पॉइंट बोलते हैं इन एसिडिक मीडियम द अमाइनो एसिड एग्जस्ट एज कैटायंस पॉजिटिवली चार्ज एसिड मीडियम में क्या होते हैं अमाइनो एसिड पॉजिटिवली चार्ज होते हैं इन अल्कलैन मीडियम और इन बेसिक मीडियम द एगजस्ट एज एन आय चार्ज और बेसिक मीडियम में ये नेगेटिवली चार्ज होता है इस स्ट्रक्चर में हमें एल अमाइनो एसिड और डी अमाइनो एसिड दिखाया गया है दीज आर मिरर ईच अदर एंड आल्सो ऑप्टिकली एक्टिव सो दिस इज द मिडिल ये पी एच वन क्या शो कर रहा है एसिडिक मीडियम पी एच सेवन इज न्यूट्रल मीडियम एंड पी एच थर्टीन इज बेसिक मीडियम एसिडिक मीडियम पे अमाइनो एसिड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा ड्यू टू बेसिक ग्रुप न्यूट्रल मीडियम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस अपेयर होंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जिसकी वजह से नेट चार्ज जीरो आएगा एंड दिस इज कंडीशन ऑफ जुइटर आयन पीएच थर्टीन पर विच इज बेसिक इन नेचर हमारे पास अमाइनो ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा ऑन कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज एसिडिक ग्रुप सो दिस इज़ कैटायोनिक फॉर्म जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो ये जूटर आयन बन गया विच इज़ न्यूट्रल पहले से यहाँ पॉजिटिव चार्ज था एक और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी आ गया फिर यहाँ से और हाइड्रोजन रिमूव होने पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ हो गया और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज़ होने की वजह से एन आयनिक फॉर्म जनरेट हो गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड कम बॉन्डिंग ऑफ़ बिटवीन अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड्स के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है डेट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या बात की थी कि वहाँ पे जो बॉन्ड था वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जनरेट हो रहा था प्रोटीन्स में प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स के मोनोमर इन द फॉर्म ऑफ मोनोमर्स एक सीक्वेंस चलती है और एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनता है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो वहाँ पे जो बॉन्डिंग होती है वो पेप्टाइड बॉन्डिंग होती है अब पेप्टाइड बॉन्डिंग में क्या होता है जैसे अगर हम दो अमानो एसिड की बात करें तो एक अमानो एसिड का एल्फा कार्बोक्सिल ग्रुप विच इज एसिडिक ग्रुप और दूसरे अमानो एसड का एल्फा अमाइनो ग्रुप एल्फा कार्बन सेंटर वाला कार्बन होता है यानी जो सेंटर का कार्बन होता है उससे जो पहला पहला मॉलिक्यूल अटैच होता है उसको हम एल्फ़ा करके बोलते हैं तो कार्बन के एक साइड पर अमाइनो ग्रुप होता है और दूसरे साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप तो इन दोनों ग्रुप को हम अल्फा कर, कर बोलेंगे तो पहले आ, पहले ग्रुप का कार्बोक्सिल ग्रुप अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ये फॉर्म करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड विच इज कॉवलेंट इन नेचर और इनके ज्वाइनिंग के नतीजे में एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन एंड द बॉन्ड फॉर्म इज पेप्टाइड बॉन्ड द रिजल्ट इज डायप्टाइड अगर दो अमानो एसिड ज्वाइन हो रहे हैं वाया वन पेप्टाइड बॉन्ड सो इट इज़ कॉल्ड इज डाईड अगर इसी तरह तीन अमानो एसिड ज्वाइन होंगे तो उसको हम ट्राईपेपटाइड बोलेंगे और इसी तरह टेट्रा अगर फोर है तो टेट्रा अगर फाइव अमानो एसिड है तो पेंटा एंड सो ऑन इसी तरह कंटिन्यू ये साइकिल चेंज हमारे पास चलती रहेगी और इसकी नेमिंग भी इसी तरह इंक्रीज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू दी नंबर ऑफ अमाइनो एसिड रिपीटन ऑफ दिस प्रोसेस अ पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड सीक्वेंस इसी तरह अमाइनो एसिड्स आपस में जॉइन होते रहेंगे और हमारे पास एक लार्ज चेन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा या और ज़्यादा अगर ज्वाइनिंग हो जाए और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाए तो एक प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर जनरेट हो जाएगा पेप्टाइड आर डिस्टिंग फ्रॉम प्रोटीन ऑन दाइज ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ साइज पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स में क्या फ़र्क है पैप्टाइड आर लेसर इन साइज दैन प्रोटीन्स टिपिकली कंटेनिंग फ्यूवर दैन फिफ्टी मोनोमर्स विच इज अमाइनो एसिड यूनिट पेप्टाइड के अंदर हमें फिफ्टी से लेसर अमानो एसड्स मिलते हैं जबकि प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमानो एसिड्स और ज़्यादा क्वान्टिटी में होते हैं और और ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे होते हैं ईच पॉलीपेप्टाइड चेन स्टार्ट्स ऑन द लेफ्ट साइड बाय फ्री अमाइनो ग्रुप ऑफ द फर्स्ट अमाइनो एसिड एंड टर्मिनल इसकी जो फॉर्मेशन है चेन की ये लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रही है और लेफ्ट साइड पर हमारे पास अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होता है अमाइनो ग्रुप की वजह से इसे हम एंड टर्मिनस बोलेंगे और राइट right साइड पर कार्बोक्सिल ग्रुप पर ये साइकिल एंड होती है ये चेन एंड होती है तो कार्बन की वजह से कार्बोक्सिल ग्रुप की वजह से इसे हम कार्बन टर्मिनस बोलेंगे या सी टर्मिनस बोलेंगे सो दिस इज द केमिस्ट्री ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड दिस इज वन मोलिक्यूल ऑफ अमाइनो एसिड एंड दिस इज अनदर वन जब ये ज्वाइन होंगे एक अमाइनो एसिड का, का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड का अमाइन ग्रुप आपस में क्या फॉर्म कर लेंगे पेप्टाइड बॉन्ड ये जो बॉन्ड सेंटर में दिखाई दे रहा है ये हाईलाइट भी हुआ हुआ है दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड और यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल जो है रिलीज हो जाएगा रिमूव हो जाएगा दिस इज अमाइनो एसिड एंड क्योंकि ये यहाँ पे जो लास्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है वो अमाइन है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंड टर्मिनस एंड दिस इज कार्बोक्सिल एंड क्योंकि ये कार्बोक्सिल ग्रुप पे एंड हो रहा है टर्मिनस। यहाँ पे ये जो पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो एक वाटर मॉलिक्यूल के रिलीज होने की वजह से हो रही है कार्बोक्सिल के पास से ओ एच रिमूव हो रहा है और अमाइन के पास से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है अब इसी तरह डिफरेंट अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हो जाते हैं और एक लार्ज लार्ज चेन स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं विच इज़ कॉल्ड एज पेप्टाइड और अगर ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए तो इसी को हम प्रोटीन बोलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पेप्टाइड बोन प्लेनर ऑन वन साइड ऑफ द प्लेन जो पेप्टाइड बोन होता है वो प्लेनर स्ट्रक्चर रखता है यानी वन साइड होता है प्लेन के रेजोनेंस tendency to oscillate or vibrate with greater amplitude due to storage of energy ye jo bond form hota hai ye energy ki formation ki wajah se bond ki formation ki wajah se isme energy store hoti hai ये इसकी iski isi liye vibrate bhi karta hai ya oscillate karta hai peptide bond also have rigidity due to plane hence it possesses 40% double bond characters जैसे कि डबल बॉन्ड के करेक्टरिस्टिक होते हैं वही करेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड में भी मिलते हैं अप टू फोर्टी परसेंट द पेप्टाइड बॉन्ड इज रिजिड इन एंड प्लेनर इसका क्या मतलब है कि ये रिजिड और प्लेनर है क्योंकि ये सेम प्लेन पे लाए कर रहा है जो बीच में पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है वो सेम प्लेन पर लाए कर रहे हैं तो इसकी वजह से हम इसे प्लेनर बोलते हैं एंड रिजिड मीन्स इट लिमिट द रेंज ऑफ कंफर्मेश्स पॉसिबल फॉर अ पॉलीपेप्टाइड चेन रिजिट किस लिए है क्योंकि ये रोटेशन कोज नहीं करता जहाँ पे भी हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है वहाँ पे रोटेशन कोज नहीं होगी इसके अलावा जो दूसरे बॉन्डिंग है वहाँ पे रोटेशन हो सकती है जैसे हमारे पास सेंटर में हमने बात की थी कि कार्बन अगर हम यहाँ देखें इस मोलिक्यूल में देखें यह हमारे पास सेंटर का जो कार्बन है इसके साथ ऊपर जो आठ चेन है ये रोटेट हो सकती है लेकिन जहाँ पे हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है वो रोटेशन नहीं करेगा सो रोटेशन अबाउट कार्बन सी और एन पेप्टाइड बॉन्ड इज़ नॉट फेसिबल द रोटेशन इज़ ओनली परमिटेड अराउंड टोर्जन एंगल्स अब जैसे मैंने ये बात की कार्बन के साथ जो ऊपर आर चेन है वो यहाँ पे हमारे पास टोर्जन एंगल फॉर्म करती है तो ये रोटेट कर सकती है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड रोटेट नहीं करेंगे रोटेशन कैन टेक प्लेस ओनली अबाउट एन और कार्बन विच इज़ एल्फ़ा कार्बन एंड एल्फ़ा कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड इनके दरमियान रोटेशन हो सकती है लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड में नहीं हो सकती जो पेप्टाइड बॉन्डिंग है वो कार्बो ऑक्सिल और अब और अमाइन ग्रुप के दरमियान है तो ये वाले ग्रुप जो हैं रोटेट नहीं करेंगे इसके अलावा स्ट्रेट चेन में जो भी हमारे पास अदर कंपाउंड अदर एलिमें सब्सटेंस आ रहे हैं जैसे कि नाइट्रोजन और अल्फा कार्बन ये आपस में रोटेशन कर सकते हैं या अल्फा कार्बन और सिंपल ये जो सेंटर का कार्बन है ये आपस में रोटेट हो सकते हैं दिस इज दी सेंट्रल कार्बन दिस इज़ अल्फा कार्बन ये आपस में रोटेशन कोस कर सकते हैं और ये नाइट्रोजन सेंटर का Uh, हमारे पास uh, एक एटम एक अमाइनो uh, एसिड के एंड में जो होगा और दूसरे जो अमाइनो एसिड है उसका जो सेंट्रल कार्बन है वापस आपस में रोटेशन कोज कर सकते हैं अब प्रोटीन के स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग होती है वो हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है देर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर नंबर वन इज कावलेंट बॉन्डिंग एंड द अदर वन इज नॉन कावलेंट बॉन्डिंग covalent bonding इज स्ट्रोंगर than नॉन covalent कोवलेंट बॉन्डिंग के अंदर दो बोंड्स हमारे पास फॉर्म होते हैं एक तो पेप्टाइड बोंड जिसकी हमने पहले बात की और दूसरा जो बॉन्ड है वो है डायसल्फाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बोक्सिल और अमाइन ग्रुप जब कंबाइन होता है जब फॉर्म होता है और इसके नतीजे में एक वाटर मोलिक्यूल रिलीज होता है डाई बिटवीन टू सिक्सटीन अमानो एसिड्स के दरमियान फॉर्म होता है इन दिस सेम और डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन सेम चेन के अंदर भी हो सकते हैं ये सिक्सटीन मॉलिक्यूल या डिफरेंट चेन के अंदर भी हैं तो अगर ये आपस में लिंकेज कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारे पास डाई सल्फाइड बॉन्ड फॉर्म होता है सल्फाइट का मतलब सिस्टीन के साथ सल्फर ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वो सल्फर ग्रुप दूसरे सिस्टीन के मॉलिक्यूल के पास जो सल्फर ग्रुप होता है उसके साथ बॉन्डिंग करके और ज़्यादा प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करता है इन दिस चेन यू कैन सी देर इज वन सिस्टीन बॉन्ड सिस्टीन कंपाउंड एंड देर इज अनदर वन एंड हेयर इन दिस सेंटर बोन सिस्टीन के पास एक सल्फर ग्रुप है जो कि दूसरे सिस्टीन के सल्फर ग्रुप के साथ सॉरी, दूसरे ग्रुप के सिस्टीन दूसरे सिस्टीन के सल्फर ग्रुप के साथ बॉन्डिंग करके एक डाई सल्फाइड यानी कि दो सल्फाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ये दोनों बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड आर कावलेंट इन नेचर दोनों की नेचर कैसी होगी दोनों कावलेंट होंगे इसके अलावा जो नॉन कावलेंट होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं फेवर प्रोटीन फोल्डिंग प्रोटीन की जो फोल्डिंग है उसको फेवर करते हैं ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाते हैं हाइड्रोफोबिक है, बॉन्ड आ जाते हैं विच हेल्प है स्टेबलाइज प्रोटीन स्ट्रक्चर आयोनिक बॉन्ड्स आ जाते हैं रिपल्सिव और एक्ट्रेक्टिव और वेंडर वॉल फोर्सेस इंक्लूडेड है दीज आर लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली चार फॉर्म्स में अवेलेबल होता है नंबर वन इज प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रेट चेन में होगा नंबर सेकेंड इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो कि थोड़ा सा हेलिकल होगा नंबर थर्ड इज टर्चरी स्ट्रक्चर जो कि और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और नंबर फोर्थ इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर जिसमें मोर देन वन टर्शरी स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट होंगे नॉन कॉमन बॉन्डिंग की वजह से ये जो इनमें फोल्डिंग्स हैं ये और ज्यादा वाज़ा हैं कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन प्राइमरी प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसे होंगे लीनियर सिक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन पोलीपेपटाइट चेन स्ट्रेट हैं ये सेकेंडरी ए रिजल्ट ऑफ क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ़ दी पॉलीपेप्टाइड चेन और कॉइलिंग और फोल्डिंग किस लिए हो रही है नॉन कावलेंट बॉन्ड्स की वजह से हो रही है इट फॉर्म्स एल्फ़ा हेलिकल बीटा प्लीटेड शेट्स और बीटा फॉर्म सेकेंडरी के अंदर हमें एल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी मिलता है जैसे कि डी एन ए का स्ट्रक्चर होता है और बीटा प्लीटेड शीट में भी मिलता है इसका स्ट्रक्चर या बीटा प्लीटेड शीट को हम बीटा टर्न्स भी कह सकते हैं इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे टर्शरी इट इज़ दी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जब प्रोटीन स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है कॉम्प्लेक्सिटी फॉर्म कर लेता है बहुत ज़्यादा उसमें फोल्डिंग और क्वाइलिंग आ जाती है तो वो एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर की फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम टर्चर इस्ट्रक्चर बोलते हैं विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्ट च एक सिंगल चेन ही होती है पॉलीपेप्टाइट की लेकिन वह बहुत ज़्यादा क्वाइल हो जाती है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इफ टू और मोर देन टू पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन स्ट्रक्चर देन इट फॉर्म्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर टर्सरी में हमने बात की सिंगल चेन की क्वाटरनरी में क्या होगा मोर देन टू टू और मोर देन टू हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगी जिसको हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलेंगे